नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 2024 के लिए बीजेपी कल जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। आपको बता दें कल सुबह 9 बजे बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आपको बता दें अमित शाह जेपी नड्डा मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। तो कल सुबह 9 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। आपको बता दें कि अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो लगभग सभी ने अपने मैनिफेस्टोस को जारी कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। अब बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या चुनावी वायदे होंगे, इस पर सभी की नजर रहेगी। और ऐसे में कल का दिन रखा गया है, कल सुबह 9 बजे मैनिफेस्टो बीजेपी का जारी होगा। आखिर इस घोषणा पत्र में किस तरह के वादों का पिटारा यहां पर बीजेपी खोलेगी। ₹2024 के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कल सुबह 9 बजे जारी किया जाएगा। कल बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी और ऐसे में सभी की नजर बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर होगी। हालांकि पिछली बार जब मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसे नाम संकल्प पत्र दिया गया था। इस बार देखना होगा घोषणा पत्र किस रूप में यहां पर देश की जनता के सामने आता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल सुबह 9 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा और गृहमंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कल सुबह 9 बजे हालांकि रणनीति पूरी तरह से यहां पर बन चुकी है और क्या महत्वपूर्ण वादे किए जाएंगे देश की जनता के साथ वो देखना होगा। तो कल सुबह 9 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। और कुमार गौरव जुड़ के ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, कल सुबह 9 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र, हालांकि सभी की निगाहें रहेंगी कि जिस तरह से हर एक माइनर चीजों के लिए किस तरह से बीजेपी काम कर रही है, वैसे में बात मैनिफेस्टो की है तो क्या क्या बीजेपी के पिटारे से कल निकल सकता है। देखिए, बिल्कुल कल सुबह 9-10 बजे के करीब बीजेपी का संकल्प पत्र जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए है वो जारी होगा। और जाहिर तौर पर इसमें वरिष्ठ नेता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी वहां रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, नड्डा रहेंगे और तमाम जो घोषणा पत्र समिति के 27 सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल आपने जो बात कही है कि चूंकि ये 10 साल का शासन हो गया है और अगले थर्ड टर्म के लिए प्रधानमंत्री मैदान में है, ऐसे में पिटारे में क्या होगा। ज्ञान, एक GYAN ज्ञान करके एक कंसेप्ट प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था जिसमें गरीब, युवा, महिला, इन सब के लिए और खासकर किसान, इन सब के लिए बीजेपी के पिटारे से कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन मुख्य तौर पर जो चीजें हैं उसमें जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें यही है कि किसानों को जो सम्मान राशि मिलती है उसको, उस पर कुछ बढ़ोतरी की बात हो सकती है। 6,000 रुपये सालाना से उसको 9,000 रुपये सालाना किया जा सकता है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड का जो एक
एक कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश भर में, उसको यूनिवर्सल किया जा सकता है। यानी उसमें अभी 5 लाख तक की जो सीमा है वो तो मेंटेन रहेगी, उसमें कुछ बढ़ाया जाएगा, लेकिन सभी देशवासी उसके अंदर में कवर नहीं होते हैं। उसमें कई सारे नियम कानून है, कई सारे अर्हता पूरी करनी होती है। इस वजह से तो अब जो घोषणा पत्र में आएगा उसमें होगा कि देश भर के लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा, यानी देश के सभी नागरिकों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलेगी। किसानों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है, युवाओं को सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागना पड़े और खुद से वो अब उस लायक हो सके कि लोगों को रोजगार दे सके। इसके लिए लोन की जो व्यवस्था है उसको आसान किस्तों पे, आसान ब्याज दरों पे, कम ब्याज दरों पे की जा सकती है। तो कुल मिलाकर गरीब, युवा, महिला और किसान, ये 4 फोकस एरिया है। युवा खासकर उसमें ज्ञान का जो कंसेप्ट है उसके तहत पूरा का पूरा घोषणा पत्र होगा और फ्री वायदे इसमें आपको जरूर देखने को मिलेंगे। महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ सरकार कोई बड़ा कंसेप्ट लेकर आ रही है। महिलाओं की बात पर प्रधानमंत्री बात भी करते हैं और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 2019 में जो ओवरऑल वोटिंग थी उसका कम हिस्सा बीजेपी को मिला था, दूसरे दलों को ज्यादा गया था। तो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए इसमें बड़े ऐलान बीजेपी के संकल्प पत्र में हो सकता है। खास बात यह है कि नाम जो होगा इसका वो मोदी की गारंटी होगा। 2047 विकसित भारत के टैगलाइन के साथ मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। जी ठीक है, तो मोदी की गारंटी और इसी मैनिफेस्टो पर जो है सभी की नजर रहेगी, क्योंकि यहां इस बार जिस तरह से देखा जाए कुमार गौरव, तो टारगेट भी बड़ा रखा है, हैट्रिक करनी है। और ऐसे में जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुद्दा विहीन है इस बार सरकार, और इसीलिए सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे ही मुद्दे मिलते हैं, तो ऐसे में अब क्या टारगेट यहां पर सेट होगा, वो भी इस मैनिफेस्टो से तस्वीर साफ होगी। देखिए बिल्कुल, जो मैनिफेस्टो होगा वो 2047 के विकसित भारत के कंसेप्ट के साथ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हर कार्यक्रम में ये कहते हैं कि आप 2024 की से 29 की बात करते हैं, मैं 2047 तक की बात सोचता हूं। तो भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी करना भारत के लिए, उद्योग व्यापार जो हो वो इजी हो, इजी गोइंग हो। और एक चीज और खास बात ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, तमाम फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय लेकर मैनिफेस्टो बनाई गई है। और देश भर में 125 सेंटर्स थे, 125 सेंटर्स यानी कि जो 543 लोकसभा हैं उनके लिहाज से 4-4 लोकसभा पे एक सेंटर बनाया गया था। और आम लोगों का भी विजन लिया गया है कि मोदी से उनको क्या क्या अपेक्षाएं हैं। जाहिर तौर पे 370 प्लस सीट का कंसेप्ट रखा है, एक 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 टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने सेट किया है, और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीट का। तो ऐसे में परिवारवाद, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बड़ा है ही उनकी नजर में, और वो हर सभा में ये उठाते हैं। लेकिन एक तरह से राष्ट्रवाद की बात भी होगी मैनिफेस्टो में। ये जो तमाम मंदिर बने हैं, राम मंदिर का कायाकल्प हुआ है, बना है और तमाम मंदिरों के कायाकल्प हुए हैं, इसी तरह से आप देखेंगे कि उसमें जो तमाम जगहों के मंदिरों की बात होगी वो भी होगी, उनको कैसे विकसित करना है, इन चीजों पे भी बात होगी। हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट, दोनों का विजन आपको प्रधानमंत्री मोदी और खासकर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है मोदी की गारंटी नाम से, उसमें देखने को मिलेगा। जी ठीक है, ठीक है कुमार गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।